बिहार में कोई चुनाव उनाव नहीं है, बिहार में बदलाव है। बिहार में बदलाव है, झूठ ठग फरेब छल इनसे बदलाव है। कि कोई सरकार इस तरह का बयान दे, उसकी मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है, जेएनयू की पढ़ी हुई कितनी जाहिल महिला है कि वो कहती है कि वैक्सीन मिलेगा चुनाव जीतेंगे। बाकी क्या बिहार के बाहर के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या भाजपा की सरकार बिहार में बनती है तो बिहार के लोगों को वैक्सीन लेने का अधिकार नहीं है? नीतीश जी के मंत्रियों का, एनडीए के मंत्रियों का दो तरह का वीडियो वायरल होता है। एक तो वो बार बालाओं के साथ ठुमके वाला वीडियो वायरल होता है, या बीजेपी के नेता किसी बार गर्ल के साथ स्टेज पे नाच रहे हैं दारू पी के, वो वायरल होता है, या जनता इनकी हुटिंग कर रही है। अब अगर बीजेपी कह रही है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देगी, जाहिर सी बात है उसके मन में है जब वो सरकार में आएंगे, जब वो सत्ता में आएंगे तो 19 लाख बिहारियों का रोजगार वो छीन लेंगे। अब इनके पास एक ही सहारा है कि ये ईवीएम में गड़बड़ी करके ही ये सरकार और सत्ता में आ सकते हैं। बाकी बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। सर, बिहार में इलेक्शन है, दबादब रैलियां हो रही हैं, सारे नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो कोरोना की वैक्सीन अगर बनेगी तो बिहार में फ्री होगी, क्या मायने निकाले जाए? बिहार में कोई चुनाव उनाव नहीं है, बिहार में बदलाव है। बिहार में बदलाव है, झूठ ठग फरेब छल इनसे बदलाव है, और जनता ने बदलने का मूड बना लिया है। तो उसको चुनाव नहीं कहिए, वो कहिए कि नीतीश और एनडीए का, यह जो मोदी का और नीतीश का गठबंधन है, इसको उखाड़ फेंकने की जो है तैयारी है बिहार में। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो है ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है वैक्सीन जो है मिलेगा, फ्री मिलेगा जो जीतेंगे, कितने क्रूर लोग हैं, ये कितने क्रूएल लोग हैं जनता को लेकर। किसी देश की सत्ता नशी सरकार कैसे बोल सकती है? पूरी दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई सरकार इस तरह का बयान दे, उसकी मंत्री निर्मला सीतारमण कहती है, जेएनयू की पढ़ी हुई कितनी जाहिल महिला है कि वो कहती है कि वैक्सीन मिलेगा चुनाव जीतेंगे। बाकी क्या बिहार के बाहर के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या भाजपा की सरकार बिहार में बनती है तो बिहार के लोगों को वैक्सीन लेने का अधिकार नहीं है? ये लोग बताएं। दुनिया में तमाम पूंजीपति देश भी हैं, उन पूंजीवादी देशों में भी वैक्सीन के कीमत को लेकर कोई बात नहीं कर रही, ये तो व्यापारियों की तरह बात कर रहे हैं। ये सरकार चलाने वाले लोग हैं, और इनके इस बयान से हम लोग हतप्रभ भी नहीं हैं, क्योंकि ये लोग सत्ता पर कैसे चढ़े हैं पूरा देश देख चुका है। ये लोग दंगा करके, लोगों की जान लेके, लोगों को झूठ बोल के, ठग करके ये लोग सरकार चला रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी किस मुंह से बिहार आ रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि आपने पिछला जो आपका बकाया है 1.25 लाख करोड़ वो कहां गया, वो बताएं पहले ना मोदी। ये तो झूठे लोग हैं, और बिहार की जनता समझ गई है कि झूठ है और इनका पसीना छूटा हुआ है, इसीलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। इनको आभास तो हो ही गया है। अब इनके पास एक ही सहारा है कि ये ईवीएम में गड़बड़ी करके ही ये सरकार और सत्ता में आ सकते हैं। बाकी बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता ने नकार दिया है। मध्य प्रदेश से भी जिस तरह की खबरें आ रही है, लगातार सर्वे जिस तरह के आ रहे हैं, वहाँ भी बीजेपी कहीं नहीं है नक्शे में। कुल जमा ये है कि बीजेपी और मोदी को बिहार की, देश की जनता ने नकार दिया है, और बिहार इसके लिए, पहले भी बिहार एक नजीर बना था, इस बार भी बिहार एक नजीर बनेगा कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा कि बीजेपी जीरो पे आउट होने जा रही है बिहार में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है सर, अगर देश का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, पाकिस्तान क्यों सुर्खियों में रहता है? पाकिस्तान इसलिए सुर्खियों में रहता है क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। ये लालू के राज को, लालू जी के 15 साल के कार्यकाल को गाली गलौज करते हुए अब तक सत्ता में बने हुए थे, अब खुद ही इनका 15 साल पूरा हो गया। आप बिहार में देखिए कि बिहार में जो स्थिति है, सड़कों की स्थिति है, स्वास्थ्य बदहाल, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा, सिक्योरिटी का हाल देख लिया, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, दलित उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, और बिहार में विकास के नाम पर सिर्फ
एक खास जाति भूमिहारों का विकास हुआ है, तो इनके पास तो कुछ है नहीं, विकास तो कुछ कर नहीं पाए, विकास का गाना गाते रहे और लालू जी के 15 साल के कार्यकाल का उदाहरण देते रहे और अपना 15 साल का कार्यकाल इन्होंने क्या किया उसके बारे में नहीं बताएंगे। पिछले चुनाव में जो 1.25 लाख करोड़ कहा उसका क्या होगा नहीं बताएंगे। और सबसे जो बड़ा सवाल है रोजगार का सवाल, आप देखिए इस देश में सबसे अधिक बेरोजगार हैं, और जब महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को पहले हस्ताक्षर से रोजगार देंगे तो ये अलबला गए। नीतीश जी का आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना था, बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे ये कहां से 10 लाख नौकरियां लाएंगे। अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है तो उसमें 19 लाख रोजगार दे रहे हैं। अब ये 19 लाख कहां से आ गया, ये नीतीश जी को चाहिए कि मोदी जी से पूछें कि जब तेजस्वी से पूछ रहे हैं 10 लाख रोजगार कहां से आएगा, बीजेपी 19 लाख रोजगार कहां से ला रही है। वैसे बीजेपी जो कहती है वो करती है, बीजेपी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, तो 2 करोड़ रोजगार पे काम तो किया, भले ही दिया नहीं ले लिया। तो क्या अब अगर बीजेपी कह रही है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देगी, जाहिर सी बात है उसके मन में है जब वो सरकार में आएंगे, जब वो सत्ता में आएंगे तो 19 लाख बिहारियों का रोजगार वो छीन लेंगे। बिहार से हैं और बिहार के निवासी हैं, आपको क्या लगता है नीतीश के काम से वहाँ पर लोग सहमत नहीं है? बिल्कुल, हम खुद ही हमारे यहाँ, मेरा जो गाँव है घोरघट नाम है, और मेरे गाँव में पिछले 15 साल से ज्यादा हो गया एक पुल बना रहे हैं नीतीश जी। वो पुल जो है, पुल जब गंगा नदी की सहायक नदी है, मनी नदी पे पुल है, पुल ढह गया था, 15 साल से वो पुल बना ही नहीं गया। अभी 3 दिन पहले उसमें बांस बल्ला लगाया गया था, NH-80 पे वो पुल है। तो इस नीतीश सरकार से आप समझ लीजिए लोग कैसे खुश होंगे, एक पुल इनका 15 साल में भी नहीं बना है, तो भविष्य में क्या होगा पता नहीं। आप बिहार जाइए, मैं बाय रोड अभी घर गया था, बिहार गया था, जैसे ही आप गाड़ी में आराम से लेटे हुए हैं, जैसे ही गाड़ी हिलना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि बिहार में आपका स्वागत है, आपको बोर्ड दिख जाएगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिहार में इन करते हैं तो बिहार की यह हालत कर दी है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देखिए, क्या हाल कर दिया स्वास्थ्य सेवाओं का, कि जो है कुत्ते जो है, आवारा कुत्ते जो है अस्पताल ICU में बैठे मिलते हैं, इस तरह की तस्वीरें आती हैं। तो बिहार हर लेवल पे बदहाल है, शिक्षा सेवाओं का हाल खराब है, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है, हर मोर्चे पर नीतीश जी फेल हैं, इसलिए उनके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। और उनके आक्रोश को अगर समझना हो तो आप महागठबंधन के CM कैंडिडेट नीतीश को तेजस्वी यादव की सभाओं को देखिए, किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोग बदलाव चाहते हैं, नीतीश से लोग तंग आ चुके हैं, इस NDA, इस सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी के 1.25 लाख करोड़ के पैकेज, झूठे रोजगार का वादा, इन और 3 डिसमिल जमीन देने का वादा नीतीश जी ने किया था दलितों महादलितों का, तो इन सबसे जनता उब चुकी है। और अब बिहार की जनता को बदलाव चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नीतीश और इस बार NDA 0 पर आउट होने जा रहा है बिहार में।